हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन। में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नीड ऑफ बिजनेस लेटर्स पे, यानी कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लेटर्स को। ठीक है, किस तरीके से बिजनेस लेटर ऑर्गेनाइजेशंस के कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोसीड करते हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं। इससे पहले हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में जो टॉपिक डिस्कस किया था, आई होप आपने वो लेक्चर भी अटेंड किया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो आप अगेन दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू टुडेज सेशन एंड टुडेज टॉपिक, दैट इज नीड ऑफ बिजनेस लेटर। क्या नीड है बिजनेस लेटर्स की अगर मैं किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे लेटर्स हैं क्या। लेटर्स एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं तो वहां पे प्रोसीड होते हैं। बिजनेस लेटर्स आर द फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रैक्टिसेस टू द नंबर ऑफ द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, जो भी टारगेट ऑडियंस है, जो भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ आप एक फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन करते हो और इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या फिर कोई स्पेसिफिक मैटर है उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ अपने जितने भी टारगेट ऑडियंस होते हैं या फिर जो भी पार्टिसिपेंट मेंबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अ गुड लेटर कैन स्पेसिफाई एन एंग्री कस्टमर्स एज मच एज बैड वन कैन एंगर एंड फ्रेंडली वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं अगर आप किसी भी कस्टमर के साथ ट्रीट कर रहे हो तो आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उसकी एंगर को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी कम्युनिकेशन का कंटेंट इस हिसाब से सेट होना चाहिए ताकि आप जो भी रीडर है वो उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से हैप्पीली पढ़े और उसका जो एक तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, वो जो भी कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन के थ्रू वो क्या हो, इन्फ्लुएंस हो जाए और उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। ठीक है, सो इट मे सेल अ न्यू प्रोडक्ट और स्पॉइल सेल्स ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड फर्म। ओके, तो कम्युनिकेशन के थ्रू जहाँ बिजनेस लेटर्स की बात कर रहे हैं तो जो सेकंड पर्सन है जिसको भी हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं, उसको परसुएट कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ या सेल्स डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे इस तरीके के कम्युनिकेशन मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं टारगेट कस्टमर्स के लिए। जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हम रिटन और ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके बिहेवियर, उनके परचेजिंग पैटर्न को चेंज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीड ऑफ बिजनेस लेटर्स। अब बिजनेस लेटर्स की क्या नीड है, क्यों हम बिजनेस लेटर्स को ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बिजनेस लेटर्स एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम यू हैव टू प्रोसीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ओके, इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसीड होती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम और लेवल्स और जो भी मैसेज है या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम अचीव करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्कर्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, दैट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस लेटर। ओके, अब यहाँ पे चार मेन रीजन्स हैं, फोर मेन रीजन्स, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब कि भी क्या नीड है बिजनेस लेटर्स की, क्यों हम बिजनेस लेटर्स को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिए। अब फोर मेन रीजंस ऑफ राइटिंग बिजनेस लेटर्स। फर्स्ट वन है टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट पर्सनल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पॉइंट लिखे हुए हैं मेन। सबसे पहला है, मेन चीज क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो रिलेटेड है प्रोवाइड कन्वीनियंट, कन्वीनियंसी के साथ आप इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हो, किसके थ्रू, बिजनेस लेटर्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि आप भी कन्वीनियंस हो और जो सेकेंड पार्टी है वो भी कन्वीनियंट है। ठीक है, और प्रॉपर कन्वीनियंट के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है वो सेकेंड पार्टी तक पहुंच रहा है। ठीक है,
सेकेंड वन है इनएक्सपेंसिव मील्स है। ये क्या है, इनएक्सपेंसिव, यहाँ पे आपको मनी भी स्पेंड नहीं करनी पड़ती और ज्यादा एफर्ट्स भी यूज नहीं करने पड़ते, ठीक है। आप क्या है, एक इनएक्सपेंसिव मोड के थ्रू इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, और विदाउट पर्सनल कॉन्टैक्ट, और कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, देर इज नो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सन, ठीक है। सिंपली यू आर सेंडिंग द लेटर्स और वो लेटर्स वो पढ़ रहा है, पढ़ के आपका जो भी मैसेज है उसको आपकी इंटेंशन में समझ रहा है, ठीक है। तो कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, कन्वीनियंस ही है प्रॉपर, ऐसा भी नहीं है कि भाई इमीडिएटली यू हैव टू कम एंड लिसन, ओके, एंड इनएक्सपेंसिव भी है और ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है। सेकेंड है टू गिव और सीक इंफॉर्मेशन, लेटर्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो और इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं किसी भी एक मैनेजर की बात करूँ तो वो जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर उनको कोई भी मैसेज डिलीवर करना चाहता है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू द पर्सनल aspects, okay, then managers will select the letters form, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक example और quote करता हूँ, एक बंदा कोई भी एक employee है जिसका working days बहुत ज़्यादा कम बन रहा है, ठीक है, वो बहुत सारी leave ले रहा है, तो आप उसको letters के थ्रू inform करोगे, ठीक है। First of all आप उसको orally communicate करोगे, फिर आप उसको एक letters के थ्रू inform कर दोगे कि आपके ये इस तरीके का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है और आपके लिए भी सही नहीं है, सो अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस ज़्यादा हुई, आगे अगेन रिपीट हुई, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन पे जब उसको रिटर्न तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को दिया जाता है, ठीक है। तो वही सेकेंड नीड है ऑर्गेनाइजेशन की, टू गिव और सीक इंफॉर्मेशन। और सेकेंड थिंग क्या है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम पर्सन फेस मेक अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जरूरी नहीं है कि हर टाइम बंदा अवेलेबल रहे फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए, तो आप लेटर के थ्रू उसको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। जिसमें बिजनेस लेटर मोस्ट इफेक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है। जो भी मैसेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपने लेटर की फॉर्म्स पे उनको सर्कुलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टू फर्निश एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड एंटर्ड इनटू, ठीक है। अगर कोई भी कम्युनिकेशन रिटर्न तरीके से ट्रांसफर की गई है तो उसका एक लीगल एस्पेक्ट भी रहता है और उसका एक प्रूफ भी रहता है, ठीक है, कि भाई जो सेकंड पर्सन है जिसको भी आपने कम्युनिकेट किया है वो डिनाई नहीं करेगा, और एक लीगल एस्पेक्ट में भी आप उसको यूज कर सकते हो, और एक प्रूफ भी रहेगा आपके पास कि भाई आपने राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे कन्वे कर दी, ठीक है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहते हैं जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं या फिर कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा बाय अप्रोप्रिएट मेथड्स, तो वहाँ पे प्रॉपर एक स्मूथिंग वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या है, टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रहता है, और आपको आप उसको एज अ रिकॉर्ड की तरह भी सेव करके रख सकते हो फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन्स होते हैं, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेटर की फॉर्म में सर्कुलेट की गई है तो उस इंफॉर्मेशन को फाइल्स में रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको यूज कर सको, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, दीज आर द मेन पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ बिजनेस लेटर्स, फंक्शंस ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर्स के मेन कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं, तो इस पे भी थोड़ा लाइट। तो फंक्शंस ऑफ बिजनेस लेटर में फर्स्ट पॉइंट है वाइडन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं या कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं तो उसमें क्या है, लेटर की फॉर्म्स में हम कम्युनिकेशन करते हैं, और जो भी हमने एग्रीमेंट किए होते हैं उन सबको रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट है यही है फंक्शंस ऑफ बिजनेस लेटर में वाइडन कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वन है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इन बिजनेस लेटर्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपके फॉर्मल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को आप वन पर्सन टू अनदर शेयर करते हो। तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस लेटर, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का यही कल्चर होता है, वर्किंग कल्चर होता है, कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर्मली सर्कुलेट हो रही है तो वो रिटन प्लस ओरल दोनों तरीके से कम्युनिकेट होगी, ठीक है।
और रिटन इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो इजीली आप उसको मेमोराइज कर सकते हो, और लॉस ऑफ ट्रांसमिशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है, और आप आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहती है। थर्ड जो फंक्शन है बिजनेस लेटर का वो है एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस, अगर दोनों पार्टी में से कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो एविडेंस के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि दो लोगों के बीच आपस में कोई सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जिसमें किसी भी गुड्स और उसके प्राइस के बारे में डिस्कशन किया गया है, अगर पेमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है या फिर क्वालिटेटिव गुड नहीं है, तो इस तरीके से आप जो भी आपने कंडीशंस इम्प्लाइज करी थी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं आप उसके अगेंस्ट शो कर सकते हो सेकंड पार्टी पे, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉर्ड एंड रेफरेंसेस, आप उस बिजनेस लेटर को रिकॉर्ड की तरह, रेफरेंसेस की तरह भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्रिस्क्राइब। बिल्डिंग गुडविल, इस तरीके से गुडविल आपकी बन जाती है, एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है। और लास्टिंग इम्प्रेशन, और इसका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन रहता है कस्टमर के माइंड पे, ठीक है। रिटन इंफॉर्मेशन भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए, अगर कोई भी आप लेटर यूज कर रहे हो, जैसे कोई नोटिस है, ठीक है, तो नोटिस के भी प्रिस्क्राइब फॉर्म्स होते हैं और उसका जो कंटेंट है उसी हिसाब से आपको यूज करना है। नोटिस में आप क्या इंफॉर्मेशन, जो भी आपका नोटिस है वो स्पेसिफिक किस मैटर से रिलेटेड है, उसी हिसाब से आपको कंसाइज मैसेज इंक्लूड करना है और उसमें प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये फंक्शंस थे बिजनेस लेटर्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।